हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के लार्जेस्ट एजुकेशन चैनल वाईफाई स्टडी में। सबसे पहले दोस्तों अपॉलॉजी फ्रॉम माय साइड, बिकॉज आपका आधा घंटे आज करंट अफेयर है वो थोड़ा लेट हो गया है बिकॉज ऑफ सम रीजन इंटरनेट इशू की वजह से। तो उम्मीद है कि आने वाले आधे घंटे के अंदर आप बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं, बहुत कुछ नया जानने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के अंदर बहुत काम आएगा। चलिए दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कल के इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन, उसके बाद में देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट सेशन। चलिए, कल आपका पहला सवाल था कि डेन ने क्या वंजाइक ने क्या किया था, सेकंड हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट है जिसको फोर्ब्स ने रैंकिंग दी है। पहले नंबर पर सरेना विलियम्स थी। तो अगर वंजाइक की बात करूं तो ये कौन से देश से बिलोंग करती है और उसकी कैपिटल आपको बतानी थी। तो देखिए दोस्तों, यहां पे जो आंसर होगा ना वो कोपेनहेगन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि ये डेनमार्क से बिलोंग करती है। आगे देखते हैं, अगला आपको बताना था कि ओथ कौन दिलाता है गवर्नर्स को। तो ये मैंने आपको बताया था कि 7 राज्यों के नए गवर्नर बनाए गए हैं और इनको ओथ कौन दिलाता है गवर्नर को, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट दिलाते हैं। अगला सवाल है आपका, नो स्पिन जो है वो किसकी ऑटोबायोग्राफी है। तो सभी को मालूम है, मैंने आपको बताया था शेन वॉन की ये ऑटोबायोग्राफी है। साथ में जो वीवीएस लक्ष्मण है उन्होंने भी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख रहे हैं, और क्या नाम है उसका, 281 एंड बियॉन्ड। तो सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसके अलावा पांचवा क्वेश्चन था अटल नगर जो कौन से देश की, कौन से स्टेट की राजधानी है। तो ये इसका आंसर क्या था, छत्तीसगढ़, इसका बिल्कुल सही आंसर था। तो बी आपका बिल्कुल, ए आपका बिल्कुल यहां पे सही आंसर है। अगला सवाल था आपका कि पहली इंडियन वुमेन रेसलर जिन्होंने गोल्ड जीता 18वीं एशियन गेम्स 2018 में। तो यहां पे आपको मालूम है कजन थी जो गीता बबीता फोगाट की, विनेश फोगाट, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो सी आपका यहां पे बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल है आपका, कौन सी पर्सनालिटी है जिसको WHO वर्ल्ड नंबर वर्ल्ड नो टबैको डे 2017 को अवार्ड से नवाजा गया है, कौन सी इंडियन पर्सनालिटी है। तो आंसर क्या होगा, SK अरोरा बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है आपका, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना इज हेलीकॉप्टर लॉन्च वर्जन ऑफ विच मिसाइल। तो ये कौन सी की नई लॉन्च वर्जन है, कौन सी मिसाइल की। तो हमने पहले इसके बारे में जाना था, नाग इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, उसकी ये क्या है, हेलीकॉप्टर लॉन्च वर्जन है हेलिना। चलते हैं आगे की तरफ देखते हैं। अगला सवाल था आपका, फर्स्ट पब्लिक सेक्टर यूनिट जिन्होंने ट्रांजिशन कर दिए ट्रेडर्स प्लेटफॉर्म के तौर पर। तो ट्रेडर्स प्लेटफॉर्म के तौर पर कौन है, HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है, जो कि इस ट्रांजिशन कर रही है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। साथ में यूरी के बारे में पूछा था जिनके रिसेंटली डेथ हुई है, वो कौन से देश के फेमस जर्नलिस्ट थे। तो देखिए ये वो पर्सन है जिन्होंने क्या किया था, इजराइल और पैलेस्तीन के अंदर काफ़ी समझौता कराने की कोशिश करी थी, पैलेस्तीन के जो लीडर है उनके पास में ये बॉर्डर क्रॉस करके चले गए थे। तो काफ़ी फेमस रहे थे अपने टाइम के अंदर, काफ़ी इन्होंने पीस को बढ़ावा देने की कोशिश करी इजराइल और पैलेस्तीन के बीच में। तो इजराइल इसका बिल्कुल सही आंसर था, इजराइल से ये बिलोंग करते थे। तो दोस्तों ये था आज के कल के आपके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखते हैं कोट ऑफ द डे क्या है, ये है बी थैंकफुल फॉर व्हाट यू आर नाउ एंड कीप फाइटिंग फॉर व्हाट यू वांट टू बी टुमारो। तो सिंपल सी बात है, जो आज आप हैं उसके लिए आप थैंकफुल रहिए, और जो कल आप बनना चाहते हैं उसके लिए आज फाइट मारते रहिए। सिंपल सी बात है, जो अपने को आज मिला हुआ है वो भी बहुत कम नहीं है, वो भी बहुत ज्यादा है। दुनिया के 95% लोगों के पास में वो सुविधाएं, वो चीजें नहीं है जो कि आप सभी लोगों के पास में, मेरे पास में, अपन सबके पास में है। तो अपन वैसे ही बहुत ज्यादा प्रिविलेज्ड है, और अगर आपको इसके आगे लाइफ में कुछ और अच्छा चाहिए, आपको अचीवमेंट करना है, तो उसके लिए फाइट मारते रहिए जरूर, धीरे धीरे होगा जरूर, क्योंकि स्पीड जो है उसको अगर आप कंटिन्यू रखना जरूरी है, चाहे वो धीरे हो चाहे वो तेज हो, बस कोशिशें करना बहुत जरूरी है। तो उम्मीद है कि अगर आप इस तरीके से करते रहेंगे कोशिशें तो आगे जरूर बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं फर्स्ट पेज की तरफ। आज का जो आपका फर्स्ट पेज है यहां पे क्या है, सबसे पहले तो सेंटर क्या चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट को सेंटर ने बोला है कि वो थोड़े से टफ डिसीजन ले, किसके ऊपर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, इन सबको लेकर। किन चीजों के ऊपर बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम कई चीजों के ऊपर बात कर रहे हैं, जैसे कि पोर्नोग्राफी है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, इसके अलावा कई ज्यादा वायलेंस के जो कंटेंट होते हैं वो चले जाते हैं, उन सब के ऊपर क्या चाहता है सेंटर गवर्नमेंट, चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट एक टफ डिसीजन ले इनके ऊपर। इसके बारे में बातचीत करेंगे थोड़ा बहुत, और आपको मैं बताऊंगा। इसके नीचे है, केरला ने ब्लेम किया है तमिलनाडु को फ्लड को लेकर, जो फ्लड आया ना केरला के अंदर अभी, तो उस फ्लड के लेकर केरला ने तमिलनाडु को ब्लेम किया है। तो मैं इसके बारे में भी बात करूंगा, और जो वाटर कमीशन की जो रिपोर्ट आई है ना जिसमें कई सारा फैक्टर जो है उसमें लिखे हुए हैं, तो उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा, उसमें कई चीजें लिखी हुई है।
इसके अलावा जो अरुण जेटली है वो वापस से फाइनेंस मिनिस्टर बन गए। पीयूष गोयल थे पहले जिन्होंने इनका कार्यभार संभाल रखा था। अभी ये किडनी सर्जरी करवा के आए, ट्रांसप्लांट करवा के आए, तो अब 100 दिन के आसपास हो चुके हैं, इनको अभी वापस अपना कार्यभार संभाल रहे हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप ने मना कर दिया है कि वो प्रीवीसी को डिस्टॉर्ट नहीं करेंगे। एक्चुअली गवर्नमेंट ने ये बोला था व्हाट्सएप को कि कोई भी न्यूज जो होती है ना, जो फेक न्यूज कई सारी फैलती है, आपको पता है कि कई सारा लिंचिंग हो चुकी है बिकॉज ऑफ व्हाट्सएप। होता क्या है कि लोग क्या करते हैं, शेयर कर देते हैं, कोई भी न्यूज हो, फेक न्यूज हो, कैसी भी न्यूज हो, लोग सोचते नहीं है इस चीज को कि इसका सोर्स पता किया जा सके। फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे तो इतनी ज्यादा गलत फहमियां फैली हुई है, लोगों का जीके लेवल जो है, आईक्यू लेवल है, वो नीचे ऊपर जाने की बजाय नीचे जा रहा है। लोग कुछ भी मान लेते हैं वहां पे न्यूज आती है तो, जबकि लोग क्या करते हैं उस पर फेक बहुत ज्यादा सर्कुलेट करते हैं, अब लोग क्या करते हैं उसको शेयर करते हैं। तो गवर्नमेंट नहीं चाह रही थी कि ये जो फेक न्यूज शेयर होती है ना, उसका सोर्स पता किया जा सके कि कौन पर्सन है जिसने इसको स्टार्ट किया है। अब व्हाट्सएप क्या बोल रहा है, अगर हम सोर्स बता देंगे तो यानी कि प्राइवेसी खत्म हो जाएगी किसी ने, जो हमारे यूजर है उनकी, तो व्हाट्सएप ने मना कर दिया है। सेंटर ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट को बोला कि आप क्या करो, टफ डिसीजन, इसके ऊपर कोई टफ एक्शन लो। तो ये वाली न्यूज और ये वाली न्यूज दोनों कोरिलेटेड है। ओके, तो ये यहां पे फर्स्ट पेज की है, तो अब देख लेते हैं फर्स्ट पेज पे अपन को क्या क्या डिस्कस करना है। सबसे पहले तो यही वाली बात जो मैंने आपको बताया कि जो इंटरनेट जाइंट है उनको क्या कर रहा है, ऑनलाइन वीडियोस का जो सेक्सुअल वायलेंस, वीडियोस अगेंस्ट द वुमेन चाइल्ड, ये अभी जो इन्होंने काम कर रहे हैं ना, वो इतने एडिक्वेट नहीं है, इतने ज्यादा टफ नहीं है। अभी भी अगर आप जो बात करें इंटरनेट के ऊपर, तो ऐसे बहुत सारा कंटेंट है जो कि वायलेंस को लेकर है, अगेंस्ट द वुमेन, अगेंस्ट द चाइल्ड, या फिर कोई भी अगर मैं रिलीजन की बात करूं उस चीज को लेकर। तो गवर्नमेंट चाहती है कि इस तरीके की जो चीजें है ना, वो टोटली क्या हो जाए, काफी कर्ब हो जाए, खत्म हो जाए, और ऑब्वियस बात है होनी भी चाहिए। तो लेकिन अभी भी उन्होंने इतने स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रखे हैं फेसबुक की, यूट्यूब की बात करें तो, या फिर बाकी सबकी बात करें तो गवर्नमेंट सेंटर को, सुप्रीम कोर्ट, सेंटर ने क्या बोला है, सुप्रीम कोर्ट को बोला है। तो यहां पे देखिए दो तीन चीजें हैं जो कि गवर्नमेंट चाहती है। एक तो क्या होता है कि अगर सरकार कभी भी किसी भी कंटेंट को रिक्वेस्ट करती है इसको बंद करने को लेकर, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी को पता लगा कि ये कंटेंट है जो कि बहुत ज्यादा खराब है, ठीक है, वायलेंस हो रही है इसके अंदर वुमेन के खिलाफ, इसको हटाना चाहिए, तो अगर उसकी रिक्वेस्ट, उसको हटाने के लिए रिक्वेस्ट भेजी जाएगी ना, तो 36 घंटे मांगता है यूट्यूब हो या फिर फेसबुक हो कुछ भी उसको हटाने को लेकर। गवर्नमेंट चाहती है इसको 36 घंटे से हटा के 10 घंटे कर दिया जाए। पहली बात तो यह है, 36 घंटे से हटा के उसको 10 घंटे करना चाह रहा है। इसके अलावा दूसरी बात यह कि सेंटर क्या चाहती है, एक एजेंसी बनाना चाहती है। सेंटर चाहती है कि ये सारी कंपनियां अपनी एक एजेंसी बनाए जो कि अपने आप ही रिमूव करे सेक्सुअली वायलेंट जो कंटेंट है, स्पेशली रिलेटेड टू द चाइल्ड, पोर्नोग्राफी हो गई, रेप हो गए, जो सुसाइडल टेंडेंसीज हो गई। आजकल आपको मालूम है कुछ दिन पहले एक लड़की ने फेसबुक पे लाइव करके सुसाइड कर लिया, तो ऐसे कंटेंट सोसाइटी के लिए सही नहीं होते हैं और लोगों ने उसको वायरल किया इनफैक्ट मदद करने के बजाय, तो ये चीज़ें भी एक अच्छी चीज़ें नहीं दिखाती है, नहीं होती है। ओके, और साथ में चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, इन सब चीज़ों से काफ़ी जो क्राइम है वो रेट आगे बढ़ती है, तो इन चीज़ों को लेकर, ख़त्म करने को लेकर सरकार ने बोला है। इसके अलावा सेंटर ऑल्सो चाहता है कि सर्विस प्रोवाइडर क्या करे, आइडेंटिफाई करे ओरिजिन ऑफ सच कॉन्टेंट, ऐसे कंटेंट का ओरिजिन कहां से होता है, क्योंकि जब तक ओरिजिन वाले को नहीं पकड़ेंगे ना, जब तक तो वो ऐसे काम करता रहेगा, तो कब तक आप उसको रिमूव करते रहोगे। तो ये तीनों के तीनों सरकार चाहती है, उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहती है। हालांकि कुछ सालों के अंदर चीजें थोड़ी बहुत चेंज तो हुई है, लेकिन अभी भी बहुत करना बाकी है। इसके अलावा केरला ने बोला है कि मुला पेरियार जो डैम है, ठीक है, तो वहां से जो सडनली पानी रिलीज किया गया है ना, उसकी वजह से केरला के अंदर फ्लड आया है। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बोला है कि जो रिलीज हुआ है पानी मुला पेरियार डैम से, उसकी वजह से स्टेट के अंदर बहुत ज्यादा फ्लड आया है। तो केरला ने तमिलनाडु को इसके लिए एलिगेशन इसके ऊपर लगाए हैं उनके ऊपर, कि उनको जब बोला गया, वार्निंग दी गई, तब भी उन्होंने नहीं माना। जब थोड़ा पानी बढ़ा था ना, उसी टाइम पे उनको रिलीज कर देना चाहिए था, ज्यादा जब ज्यादा पानी बढ़ेगा और ज्यादा एकदम से आप रिलीज करोगे तब तो फ्लड आना ही है। तो ये सारा का सारा एलिगेशन है जो कि यहाँ पे लगाया गया है। तो यहाँ पे देखते हैं और भी इसके कई सारे रीजन है जो कि वाटर कमीशन के द्वारा दिए गए, अभी आने वाले पेजेस में आपको दिखाऊंगा मैं। ये तो देखिए मौत का कुआं जेएनके के अंदर, ठीक है, यहाँ पे इमेज आई हुई है एक। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, तो देखिए राजस्थान की एक न्यूज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। क्या है, इंडिया का लार्जेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर नियर बाय 1 लाख स्क्वायर फीट के आसपास का, 1 लाख स्क्वायर फीट के आसपास का वो एरिया है जो कि जयपुर के अंदर बनाया गया है, इंडिया का लार्जेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर। किसको लेकर, स्टार्टअप को लेकर। स्टार्टअप यहाँ पे अपनी क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छा बनाया गया, मतलब जो इसकी अगर आप फोटोज देखोगे तो बहुत तगड़ा बनाया हुआ है,
जयपुर के अंदर इसको सेटअप किया जा रहा है और इसके अंदर कई सारे जो स्टार्टअप्स हैं जो कि आई स्टार्ट के अंदर रजिस्टर्ड है उन सबको स्पेस मिलेगी, उनको वहाँ पे इंक्यूबेशन, वहाँ पे ट्रेनिंग, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लेकर काफी चीजों को वहाँ पे बढ़ावा दिया गया है। तो एक डिजिटल स्पेस टेक्नोलॉजी जो कि एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने को लेकर वसुंधरा राजे ने इसको इनॉग्रेट किया है और बोला है कि ये इंडिया का लार्जेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर है स्टार्टअप को लेकर। तो ये भी पेपर में पूछ सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं पेज नंबर 7 के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए यूएई ने भी ऑफर किया था, इसके बाद में पाकिस्तान ने भी ऑफर दे दिया भारत को, किस चीज को लेकर, केरला की मदद करने को लेकर। तो अभी रिसेंटली इमरान खान ने एक बात बोली है कि भाई केरला में जो फ्लड आया उनके साथ में हमारी सहानुभूति, अगर वो हमसे कोई ह्यूमैनिटेरियन अगर कोई मदद चाहता है तो हम वो मदद कर सकते हैं। मैंने कि पाकिस्तान के खुद के हालात तो बड़े खराब है, वहां पे तो मदद मिल नहीं रही है और वो खुद मदद के लिए दूसरे देशों से मदद मांग रहे हैं और वो देश अपने को मदद करने के लिए आगे बोल रहा है। तो अच्छी बात है वैसे तो, कह रहा अगर बोला भी है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये एक जेस्चर के तौर पर भी देख सकते हैं। लेकिन सिंपल सी बात यह है कि इस चीज को ज्यादा बढ़ावा देना वो ज्यादा सही नहीं है। यूएई ने मदद करी है, पाकिस्तान है, भारत भी कई देशों को ऑफर करता है, कई देश मना भी करते हैं। तो भारत भी क्या कर रहा है कि जो फॉरेन एड है, मैंने आपको एक दो दिन पहले बताया भी था, पढ़ाया था कि क्यों भारत ने मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के टाइम पे एक ये प्रोटोकॉल बनाया था कि हम कभी भी दूसरे देशों से मदद नहीं लेंगे क्योंकि हम सेल्फ सफिशिएंट है हमारी खुद की मदद करने को। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बात बोली भी है कि जो 600 करोड़ रुपए दिए हैं अगर वो कम पड़ रहे हैं तो ये सिर्फ एक इनिशियल अमाउंट है, इसको आप काम में लीजिए, बाद में अगर और रिक्वायरमेंट होगी जो कमेटी बनी हुई है वो और रिव्यू करेगी और जरूरत होगी तो और भी पैसा दिया जाएगा। तो इस चीज को लेके पॉलिटिक्स करना या फिर इस चीज को लेके आगे बढ़ाना कि दूसरे देश मदद कर रहे हैं भारत कम कर रहा है, तो ये चीजें थोड़ी सी सही नहीं है अपने देश की एटलीस्ट प्रेस्टेज के लिए लेकर। तो चलते आगे की तरफ, यहाँ पे कई सारे रीजन दे रखे हैं। देखिए एक तो केरला के अंदर फ्लड आया सीजनल हाई की वजह से, एक्चुअली जो हैवी मानसून केरला में आता है ना वो लास्ट वीक के अंदर बहुत ज्यादा हो गया एज कम्पेयर टू नॉर्मली। यहाँ पे एवरेज देखिए 307 जो है ना 302 mm जो है एक्चुअल एवरेज रेनफॉल है जो कि 3 गुना है एवरेज से। अगर पिछले साल की बात करें तो उससे 3 गुना ज्यादा रेनफॉल रिसीव हो गई है। अब सिंपल सी बात है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे ग्राफ, यहाँ पे होते होते एकदम से कितना सर्ज हो गया है। तो एक तो ये रीजन बहुत बड़ा रहा केरला के अंदर फ्लड आने का, दूसरा है क्या हैवी इनफ्लो। तो ये जो रिजर्वायर यहाँ पे बना रखे हैं, देखिए एक्चुअली होता क्या है, गवर्नमेंट की एक पॉलिसीज होती है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ावा देने को लेकर क्या होता है कई बार कि हर स्टेट, देखिए चेन्नई के अंदर जब फ्लड आया था वो भी मैनमेड कॉज था, अगर आप देखेंगे थोड़ा गूगल करेंगे तो उसमें बहुत बड़ा रीजन था, नदी का जो आपने पानी है उसको फ्लो को रोक दिया, आपने वहां पे कंस्ट्रक्शन कर दिया है, ग्रीन बेल्ट है उसको कम कर दिया है, तो फ्लड तो फिर आना ही है, आसपास का एरिया तो फिर डूबना ही है। एक्चुअली अगर मैं बात करूं तो ये ह्यूमन कॉज ज्यादा है एज कम्पेयर टू नेचुरल कॉज। अक्सर जो फ्लड आता है उसको नेचुरल कॉज के तौर पर बोला जाता है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी डीप स्टडी करेंगे, वाईफाई स्टडी के अंदर एक मानवेंद्र सर ने भी वीडियो बना के दिया था कि क्यों वो फ्लड आया था। इसके अलावा मैं भी अभी आपको 3-4 रीजन दे रहा हूँ तो इससे भी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये मैनमेड कॉज ज्यादा है एज कम्पेयर टू द नेचुरल कॉज। नेचुरल कॉज तो चलो ठीक हैवी रेनफॉल हो गई, ये 3 गुना हो गई, 5 गुना हो गई, लेकिन पानी के निकलने की जगह होती है। अगर आप उस पानी के निकलने की जगह पर कंस्ट्रक्शन कर दोगे, वहां पर ग्रीन बेल्ट कम कर दोगे, या फिर वहां पर आप डैम बना दोगे, रिजर्वायर बना दोगे, और फिर वो ज्यादा फ्लो होके जब आप एकदम से छोड़ोगे उसको तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम होनी है। डैम और जो रिजर्वायर बनाते हैं वो भी ऐसी जगह पर बनाते हैं जहां पर अगर हैवी वाटर छोड़ भी दिया जाए तो कम से कम सिटी के अंदर कोई भी नुकसान ना हो। लेकिन अपने हो क्या रहा है, डेवलपमेंट के चक्कर में हम क्या कर रहे हैं, चीजों को बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा हंग्री कंट्री है हम, तो इस वजह से क्या हो रहा है, चीजें थोड़ी खराब भी हो रही है। अब देखिए यहां पे इनफ्लो जो हुआ है रिजर्वॉयर का वो काफी इंक्रीज हो गया एज कंपेयर टू द सेम वीक। तो पीक यहां पे पहुंच गया था, देखिए यहां पे इदुकी की बात करें या फिर बाकी सब की बात करें तो देखिए कितना ज्यादा यहां पे पहुंच गया था। तो सिंपल सी बात है, जो इनफ्लो हो गया है वो बहुत ज्यादा हो गया है पूरे के पूरे मानसून में, है ना 247.7 MU, वो इतना ज्यादा मानसून के अंदर इसमें इनफ्लो बढ़ गया था इस डैम के अंदर। इसके अलावा हाई स्टोरेज लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया। तो ये पूरा का पूरा डाटा दे रखा है यहाँ पे, देखिए हर एक डैम का, ठीक है कुंदाला है, दुकी है, मुतुपिटी है, शोलायर है, सारे के सारे डैम का। तो यहाँ पे जो स्टोरेज लेवल है बहुत ज्यादा हाई चला गया था रेनफॉल की वजह से, जब उसको इनिशियली छोड़ा भी नहीं गया और फिर ना ऐसा हो गया कि भाई मान लीजिए ये डैम है तो ये उन्होंने क्या बोल दिया कि तमिलनाडु का जो डैम है उन्होंने ज्यादा पानी छोड़ा तो फिर हमको भी छोड़ना पड़ गया और इस जगह से क्या हो गया पूरे सिटी को नुकसान हो गया। ओके तो दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे ब्लेम कर रहे हैं। एक्चुअली मैं जबकि होना ही चाहता कि कुछ डैम बनाने के बाद में अगर हाई स्टोरेज से पहले इसको पानी को छोड़ना चाहिए था प्रॉपर, यहाँ पे जो इसके जो एक डिस्ट्रीब्यूटरी की बात करें तो प्रॉपर तरीके से बनानी चाहिए थी। लेकिन वही वाली बात है कि जब होता है, जब हमारे देश में चीज़ों को समझ में आती है। आउटफ्लो की बात करें तो रिजर्वॉयर में आउटफ्लो भी बहुत ज़्यादा हो गया था, ये देख सकते हैं आप नॉर्मल से। ओके 9 अगस्त से आउटफ्लो स्टार्ट हुआ था तो वो भी बहुत ज़्यादा था।
तो वो कैचमेंट एरिया उसको कवर कर ही नहीं पाया जितना कैचमेंट एरिया बनाया गया था। कैचमेंट एरिया होता है आसपास का एरिया, जो जैसे कि ये नदी के आसपास का जो एरिया ना, इसको अपन कैचमेंट एरिया कहते हैं। तो ये भी उसको बिल्कुल भी रोक नहीं पाया क्योंकि बहुत ज्यादा पानी रिलीज किया गया। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट रीजन थे जो कि केरला के फ्लड के थे। उम्मीद है कि आने वाले टाइम के अंदर जिस तरीके से देश ने लोगों पूरे देश ने केरला की मदद करी है, एटलीस्ट गवर्नमेंट भी इस चीज़ के ऊपर फोकस करेगी कि कोई भी डेवलपमेंट अगर करा जा रहा है तो एटलीस्ट फ्यूचर प्रोजेक्शन को लेकर प्रोज एंड कॉन्स दोनों को देखते हुए चीज़ों को डेवलप किया जाएगा, तो उससे काफ़ी मदद मिलेगी आने वाले टाइम में इन चीज़ों को काउंटर अटैक करने को लेकर। चलिए थोड़ा स्पोर्ट्स न्यूज़ के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे 15 साल के विहान ने सिल्वर मेडल जीत के एक और धमाका कर दिया है। तो शूटिंग के अंदर अपने 15 साल 16 साल इतने कम एज ग्रुप के जो बच्चे हैं इन्होंने भी बहुत धमाल मचा रखा है। एशियन गेम्स के अंदर यंगेस्ट इंडियन शूटर बन गए जिन्होंने एशियन गेम्स के अंदर मेडल लिया है और डबल ट्रैप के अंदर इन्होंने 15 साल के मान, ठीक है, शार्दुल विहान, तो ये नाम आपको ध्यान रखना है, शूटिंग से बिलोंग करते हैं। चलते आगे की तरफ। इसके अलावा पेज नंबर लास्ट की बात करें 18 की तरफ, तो यहां पर भी एक दो इंपॉर्टेंट न्यूज है। एक तो यह है कि जापान सेट्स इज फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट। तो जापान के अंदर जो पहली वुमेन फाइटर जो पायलट है वो वहां पे क्या हो रहे हैं, रिक्रूट किए जा रही है। इसके अलावा एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज है आईकिया को लेकर। यहाँ पे ये बहुत ज्यादा न्यूज के अंदर आ रखा है तो मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ उसके बारे में। ये जो आईकिया क्या है, ये एक स्टोर है, ऑनलाइन फर्नीचर स्टोर है। तो इसने बहुत धूम मचा रखी है, अभी हैदराबाद में ओपन हुआ है और लोगों ने इतनी भीड़ जमा कर ली है यहाँ पे कि लोगों को कदम रखने की जरूरत नहीं, और इस कंपनी इस कि आउटलेट के जो बाहर है ना टाइमर लगाना पड़ा है कि आप 2 से 3 घंटे से ज़्यादा आप अंदर रुक नहीं सकते, और यहाँ पे रेड सिग्नल दे रहे हैं कि अंदर पूरा फुल हो रखा है, आप जाइए मत वरना आपको जगह भी नहीं मिलेगी पैर रखने की। तो लोग एकदम से कूद पड़े हैं इसके ऊपर, ठीक है, आइकिया के ऊपर। तो यहाँ पे रश की कोई कमी नहीं है। तो थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लेते हैं कि लोगों ने इतना ज़्यादा इसको क्यों इसके ऊपर टूट पड़े हैं लोग। ये सबसे पहले तो कि आपको इसका बेसिक बताता हूँ, ये एक स्वीडिश फाउंडेड स्वीडन की एक कंपनी है, मल्टीनेशनल ग्रुप है, जो कि क्या करता है, डिजाइन और सेल करता है रेडी टू असेसेबल फर्नीचर, ठीक है, असेंबल फर्नीचर। तो इसके पास क्या जो फर्नीचर है ना वो रेडी टू असेंबल होते हैं। इसमें क्या होता है, कई तरीके के डिजाइन होती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम पे अपन किसी दुकान वाले के पास जाते हैं तो आपको 4 तरीके के फर्नीचर बता देगा कि भाई ये है आप देख लो उसमें क्या लेना है। लेकिन आईकिया के अंदर क्या है, आप यहाँ पे रेडी टू असेंबल कर सकते हो अपना फर्नीचर। अगर आपको इस तरीके का डिजाइन चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, पता नहीं कैसा चाहिए, जैसा भी चाहिए, आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, उसको असेंबल कर सकते हो और उसको वहां पे खरीद सकते हो। रेट भी एज कम्पेयर टू बाकी जो शॉप है उनसे थोड़ी सी कम है, थोड़ा सा प्राइस वॉर भी ये रखता है। होम एक्सेसरीज के अंदर, किचन अप्लायंसेस के अंदर, फर्नीचर के अंदर ये काम करता है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट फर्नीचर रिटेलर है ये, ओके। इसको 1943 में फाउंड किया गया था, एक 17 साल का बच्चा था कैंप्राज, उसके द्वारा इसको फाउंड किया गया था। फोर्ब्स 2015 के टाइम पे 10 रिचेस्ट पर्सन में से एक बन चुके थे, $40 बिलियन इनकी नेटवर्थ बन चुकी थी। तो अपना जो नाम है उन्हीं से ही इन्होंने कंपनी का नाम को बिल्ड किया है। तो उम्मीद है कि आप इसके बारे में जान गए होंगे, पूरे देश में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है, ओके। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कोई छोटे मोटे, अगर आप कोई LDC या फिर रेलवेज, अगर आप ऐसे कोई पेपर दे रहे ना तो वहाँ पे तो इस तरीके के सवाल आ सकते हैं, लेकिन अगर आप UPSC SSC वहाँ दे रहे हो बैंकिंग है तो वहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेगा। इसके अलावा यूरोपियन विंड सर्वे सैटेलाइट लॉन्च। तो एक विंड सर्वे सैटेलाइट है जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी, क्या नाम है उसके, एरिना स्पेस, ठीक है, उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, एरिना स्पेस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ग्लोबल विंड एंड इम्प्रूव वेदर फोरकास्ट सैटेलाइट है। तो आपसे बोला जाए कि विंड सर्वे सैटेलाइट कौन किसके द्वारा लॉन्च करी गई है, तो यह यूरोपियन जो एजेंसी है उसके द्वारा लॉन्च करी गई है, एरिन स्पेस इसको हम कहते हैं। चलते हैं आगे की तरफ दोस्तों और देख लेते हैं इसका नाम क्या है, लॉन्च ऑफ द, ठीक है, इसका नाम है ईओलस, EOLUS ईओलस इसका नाम है। चलिए, सैटेलाइट टुक प्लेस एट 2:20 GMT ऑन वेनसडे, तो वेनसडे को इसको लॉन्च किया गया। इसके अलावा जापान गेट्स इज फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था आपसे, मीसा है, टॉप गन इंस्पायर्ड मीसा है, जो कि यहाँ की फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट बन गई है। तो दोस्तों यहाँ पे ये न्यूज इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यूज में पेपर में पूछते हैं, ओके, कि अभी रिसेंटली कौन ये जो मीसा जिनका नाम है, तो ये मीसा कौन से देश की फाइटर पायलट बनी है, और
और कौन से देश से बिलोंग करती है, तो आपको नाम क्या ध्यान रखना है, मीसा आपको ध्यान रखना है। साथ में अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया के अंदर भी तीन नाम आपको ध्यान रखना है। एक तो अवनी चतुर्वेदी है जो कि देश की फर्स्ट वुमेन थी जो कि फाइटर पायलट थी, ओके। इसके अलावा एक मोहना है और एक भावना है, तीन नाम ध्यान रखना है। तीनों ने ही साथ में ज्वाइन किया था, एक तो मोहना और साथ में एक है भावना, ओके। तो ये तीन नाम भी आपको ध्यान रखना है। तो अवनी चतुर्वेदी को वैसे क्रेडिट जाता है जो कि फर्स्ट इंडियन वुमेन फाइटर पायलट को लेकर, ओके। तो ये भी आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आपको जानना है। तो दुनिया का भी हो गया, जापान का भी हो गया और भारत का भी हो गया। और इंडिया रेडियो की न्यूज से प्रेसिडेंट जो रामनाथ कोविंद है उन्होंने इनॉग्रेट किया है इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कंक्लेव। अभी कहां पे हुआ है थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लेते हैं, कहां पे, न्यू दिल्ली के अंदर इसको इनॉग्रेट किया गया है। थीम क्या है, बुद्धा पाथ, तो जो बुद्ध का जो पथ है उसको, वो इसका थीम है, द लिविंग हेरिटेज। और यहाँ पे शोकेस किया गया है बुद्धिस्ट हेरिटेज इंडिया के अंदर, जिस तरीके से बुद्धिज्म डेवलप्ड हुआ है, जो उनके साइट्स हैं। एशियन कंट्रीज ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था कॉन्क्लेव के अंदर, 29 कंट्रीज के लोग इसके अंदर आए थे। जापान इसके अंदर पार्टनरिंग कंट्री था फॉर द बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव। ये न्यूज लास्ट वाला जो लाइन है ना, ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा देश था जो कि हमारे लिए पार्टनर था इस कॉन्क्लेव के अंदर, वो जापान था। आगे चलते हैं, डेविड बेकहम को यूएफए प्रेसिडेंट अवार्ड मिला है। तो यूएफए प्रेसिडेंट अवार्ड किसको मिला है, डेविड बेकहम को मिला है। एनडीटीवी की न्यूज है 2018 का। और इन द ऑनर ऑफ द, जो उनके अचीवमेंट है, जिस तरीके से उन्होंने गेम को अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, उस चीज को लेकर। तो यूएफए का मतलब है यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, 32 टीमें इसके अंदर खेलती है। करंट चैंपियन कौन है यूएफए, वो है रियल मैड्रिड। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे की तरफ, कैंपिगोला जो है वो इंटरनेशनली सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। तो इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है, काफी इंपॉर्टेंट भी है, कैंपिगोला जो कि कहां पर है, बैंगलोर के अंदर है। तो बैंगलोर का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है किया है, जिसको अपन कहते हैं, वो सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग एयरपोर्ट है इन द वर्ल्ड। तो यहां पर देखिए आप, 1.58 मिलियन फ्लायर्स ड्यूरिंग द 6 मंथ पीरियड, तो बहुत ज्यादा फ्लायर्स है। और जो टोक्यो का जो हैनेटा इंटरनेशनल है, ठीक है, वो नंबर वन पर है। तो न्यू दिल्ली इंटरनेशनल जो इंदिरा गांधी है वो 6 नंबर पर है, हैदराबाद उसके बाद 17 नंबर पर है। और अगर अपन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन की बात करें तो कौन है, भी गुरु प्रसाद महापात्रा। तो ये नाम भी आपको ध्यान रखना है, बैंकिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और भी देश में कई जगह पे एयरपोर्ट है नाम, जैसे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद, गुरु रामदास जी हैं अमृतसर के अंदर, लोकप्रिय गोपीनाथ जो है वो है गुवाहाटी में, कोझिकोड है केरला के अंदर, बी आर अम्बेडकर नागपुर के अंदर। तो कुछ कई बार क्या होता है, एयरपोर्ट के नाम से क्वेश्चन बन जाते हैं जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए। सीएनबीसी की न्यूज है कि ईरान ने अनवील किया अपना पहला डोमेस्टिक फाइटर जेट। तो अभी रिसेंटली क्या किया, ईरान ने अपना घरेलू लड़ाकू जेट बनाया, 100% इंडिजीनियसली है, यानी कि खुद के द्वारा बनाया गया है। नाम क्या है, नाम क्या है इसका, काउसर इसका नाम है, ठीक है, कौसार है इसका नाम, कौसार इसका नाम है। तो और ये फोर्थ जनरेशन फाइटर प्लेन है जो कि नेशनल डिफेंस इंडस्ट्री एग्जीबिशन के अंदर तहरीन के अंदर इसको डेमोस्ट्रेट किया गया। तो वहां के प्रेसिडेंट कौन है, असल रूहानी जी है, कैपिटल तहरीन, करेंसी क्या है, रियाल है। तो ये सब भी आपको ध्यान रखना है, नाम जो है वो इंपॉर्टेंट है, कैसार जो नाम है ना फाइटर प्लेन का वो इंपॉर्टेंट है। पूछेंगे आपसे, बताइए कौसार कैसा, नहीं कौसार है, कौसार जो है वो कौन से देश का फाइटर प्लेन है, फोर्थ जनरेशन फाइटर प्लेन है, तो ये ईरान का है। साथ में RIL रिलायंस इंडस्ट्री बन चुकी है देश की नंबर वन कंपनी, जिसने 8 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन को क्रॉस किया है, 8 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण, बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज है। और देश की पहली कंपनी बनी है ये, 2018 के अंदर 37% जो इनके शेयर्स है उसके अंदर जंप हो गया है, काफी अच्छा प्रॉफिट गेन किया है, मार्केट के अंदर काफी अच्छी रेपुटेशन बनाई है। तो उस चीज को लेकर ये जिस तरीके से इन्होंने जंप लिया है वो बहुत ज्यादा काबिले तारीफ है। रिलायंस जियो का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, जिस तरीके से सब्सक्राइबर ऐड होते जा रहे हैं हेल्थी पेस से, उस तरीके की वजह से इनकी कंपनी की वैल्यूएशन काफी आगे बढ़ रही है। साथ में HAL बिकेम द फर्स्ट PSU टू ट्रांजिस्ट ऑन ट्रेडर्स। तो ये तो हमने कल बात करी थी ना, आज क्वेश्चन भी दिया था मैंने कि ट्रेडर्स प्लेटफॉर्म पे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है जो कि क्या कर रही है, ट्रांजेक्शन कर रही है। सबसे पहले जो है कि ट्रेडर्स क्या है कि ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, क्या करने का, फाइनेंसिंग करने का, ट्रेड करने का, MSME के थ्रू जो मल्टीपल फाइनेंसर्स है उसके थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इसके बारे में पूरा लिखा हुआ है। तो ट्रेडर्स प्लेटफॉर्म पे एक्सचेंज करने वाले सबसे पहले HAL है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। किसने अनाउंस किया है, और ये रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया RXIL ने अनाउंस किया है कि पहली पब्लिक सेक्टर कंपनी है जिसने ट्रेडर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू क्या किया, ट्रांजेक्शन किया है। HAL की बात करें तो हेडक्वार्टर बैंगलोर के अंदर है, चेयरमैन सुवर्णा राजू है,
और किसके अंडर में आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर के अंदर ये आते हैं। साथ में इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है 35% जो भारत में साइबर अटैक होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ चाइना से होते हैं। तो बहुत बड़ी न्यूज है दोस्तों, चाइना से देखिए 35% साइबर अटैक। अक्सर लगता है कि पाकिस्तान से होता है, लेकिन बेचारे पाकिस्तान ही तो क्या छोटे मोटे अपनी जो वेबसाइट होती है वो हैक करते हैं, वो मीडिया में आ जाती है, लेकिन चाइना है जो कि असली गेम खेल रहा है। तो चाइना से देखिए 35% सिर्फ और सिर्फ चाइना से हो रहे हैं। तो रिसेंट रिपोर्ट आई है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम के द्वारा, इसको अपन CERT कहते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ साइबर अटैक वो चाइना, यूएस, रशिया से हो रहे हैं। चाइना से 35% है, उसके बाद में यूएस 17%, रशिया 15%, पाकिस्तान 9%, और इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट है उसको रिपोर्ट भेज दी गई है और ये सब बता दिया गया है। अगर मैं सीईआरटी सर्न की बात करूं तो ये नोडल एजेंसी है जो कि डील करती है हमारी साइबर सिक्योरिटी को, हैकिंग को लेकर, बाकी सब चीजों को लेकर ये देखती है। चलते हैं आगे की तरफ। सीजीआई ने लॉन्च किया एप्लीकेशन टू फैसिलिटेट लिटिगेंट्स एंड लॉयर्स। तो जो लॉयर्स है, लिटिगेंट्स है, उनकी सुविधा के लिए आवेदन शुरू किया गया है। पीआईबी की इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो सीजीआई जो अपने दीपक मिश्रा जी, उन्होंने ये लॉन्च किया है ताकि जो एप्लीकेशन लगाने वाले लोग हैं, लिटिगेशन लिटिगेंट हैं, लॉयर्स हैं, उनको बेनिफिट मिल सके। एप्लीकेशन ई फिलिंग भी हो सके, ई पे हो सके, नेशनल सर्विस एंड ट्रैकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस हो सके। तो ये तीन नई चीजें यहाँ पे इनको इम्प्लीमेंट किया गया है। ई कोड प्रोजेक्ट जो है उनको स्टार्ट किया गया है, डेवलपमेंट स्टार्ट किया गया है। ई फिलिंग जो है वो स्टार्ट कर दी गई है, रजिस्ट्रेशन कर सकता है कोई भी लॉयर है, लिटिगेंट है, ओके, ई फिलिंग के थ्रू, और पे भी कर सकता है उसके बाद में ई पे के थ्रू। और एनएसटीईपी की बात करें तो ये क्या एक अनदर इनोवेटिव एप्लीकेशन है जो कि लॉन्च करी गई है। इसमें क्या होता है, ई कोर्ट प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, जैसे कि जो केस इन्फॉर्मेशन सॉफ्टवेयर है, वेब पोर्टल है, मोबाइल एप्लीकेशन है, उन सबको मिला के ई कोर्ट बना दिया गया है। तो वहां से क्या होगा, काफी मदद मिल जाएगी जो चीजें है ना, जो डॉक्यूमेंटेशन है, उन सबको टैकल करने को लेकर तो ये बनाया गया है। तो ये कुछ एक नए इनिशिएटिव है जो कि लॉन्च करे गए हैं। साथ में पीएम ने इनॉग्रेट किया है कई सारे प्रोजेक्ट जूनागढ़ गुजरात के अंदर। तो देखिए यहाँ पे कई सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट करे गए हैं, सिविल हॉस्पिटल स्टार्ट किया गया है, मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट स्टार्ट कर दिया गया है, कई सारे 500 करोड़ के इनिशिएटिव है जो कि रिसेंटली लॉन्च करे गए हैं। गुजरात के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। गांधीनगर कैपिटल, सीएम विजय रूपानी, गवर्नर ओपी कोहली, और तापी डैम के ऊपर यूकाई डैम, सरदार सरोवर के ऊपर नर्मदा नदी के ऊपर है। ट्राइब्स की बात करें तो बर्दा है, बचवा है, भील, चारण, धोदिया, गैमित और पटेलिया, ये सारी हैं। नेशनल पार्क गिर फॉरेस्ट आपको पता है, ब्लैक बग पता है। देखिए ब्लैक बग अगर आपसे नेशनल पार्क पूछा जाए तो गुजरात होगा। ब्लैक बग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोला जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। सलमान खान का ब्लैक बग केस पूछा जाए, वो तो पूछा जाएगा नहीं, लेकिन अगर हो जाए तो वो जोधपुर होगा, जहाँ पे चक्कर लग रहे हैं सलमान के। टैगलाइन क्या है, वाइब्रेंट गुजरात। कौन है ब्रांड एम्बेसडर, एबी अमिताभ बच्चन है यहाँ के ब्रांड एम्बेसडर। इसके अलावा दोस्तों देखते हैं फन फैक्ट विद वाइफिस्टडी में आज क्या है आपके लिए। मॉन्टेसरी स्कूल है लखनऊ के अंदर, इसको वर्ल्ड के लार्जेस्ट स्कूल का टैग दिया गया था इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम है। इसके इस स्कूल के अंदर नियर बाय 40,000 स्टूडेंट और 2,500 टीचर दिसंबर 2011 के अंदर थे। तो यहाँ पे आप असेंबली देख सकते हो, असेंबली के अंदर मतलब जगह ही नहीं बची है, ऐसा लग रहा है मतलब बिल्कुल जेन पैक्ड, पूरी तरीके से पैक्ड है। तो ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, सबसे ज्यादा बच्चे जो है वो लखनऊ के स्कूल लॉ सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के अंदर। तो दोस्तों उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। साथ में फर्स्ट इन द वर्ल्ड भी देख लेते हैं। फर्स्ट हार्ट बाईपास ऑपरेशन जो कि एक रोबोट ने किया था वो जर्मनी में किया था। अजीब बात है, रोबोट से ऑपरेशन करा लिया, ठीक है, लेकिन ये जर्मनी में हुआ था। फर्स्ट क्लोन्ड ह्यूमन बेबी, ईव है उसका नाम। फर्स्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड क्या बोलते हैं, सनातन धर्म बोलते हैं। फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड तक्षशिला यूनिवर्सिटी है। और जो पहली बार फिएट लेके आया था, फर्स्ट कंट्री दैट ब्रिंग आउट द फिएट, वो है इटली। तो फिएट गाड़ी है ना, फैब्रिका इटालियाना ऑटोमोटिव टेरिनो, ये इसकी फुल फॉर्म है और ये इटली की कंपनी है। ओके, तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन जिसके अंदर हमने काफी कुछ नया सीखा, काफी कुछ नया जाना। दोस्तों उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको और भी कुछ जानना है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अपने घर की बात है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कमेंट देखता हूं तो आपका आंसर कर दूंगा, ठीक है। मेजरली तो देखता हूं, कभी छूट जाए तो बात अलग है। इसके अलावा 1 तारीख को सुबह 11 बजे आपके लिए नया शेड्यूल आ रहा है एग्जाम का, तो उसको भी जरूर देखिएगा, वो भी आपके बहुत काम आएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। 10 तो नहीं है, आज मैं आपको 5 ही क्वेश्चन लेके आया हूं, तो 5 ही डिस्कस कर लेते हैं।
जैसे कि पहला तो डेविड बेकहम को यूएफए प्रेसिडेंट अवार्ड मिला है, ये कैप्टन थे कौन सी फुटबॉल टीम के, ये आपको बताना है। अगला सवाल है कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोइंग एयरपोर्ट है वो कौन से स्टेट के अंदर है, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है 35% साइबर अटैक भारतीय साइट के ऊपर कहां से हो रहे हैं, ये आपको बताना है। अगला सवाल है RIL देश की पहली इंडियन कंपनी है जिसने डैश मार्केट कैपिटल को क्रॉस किया है, कितना क्रॉस किया है ये आपको बताना है। साथ में ईरान ने अनवील किया है पहला डोमेस्टिक फाइटर जेट, तो उसका नाम आपको बताना है, उसका नाम क्या है। तो ये थे 5 आपके आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और आज के लिए 5 ही है, कल वापस से 10 कर लेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।